नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर, टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। विद्यार्थियों, हमने संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत अभी तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शक्तियों और पद की स्थिति का अध्ययन किया। आज हम संघीय कार्यपालिका के तहत मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के का अध्ययन करते समय मंत्रिपरिषद शब्द को संविधान के अंदर जानने की कोशिश की थी। आखिर वो मंत्रिपरिषद है क्या, उसकी संरचना कैसे होती है, कैसे काम करती है, इसके संबंध में आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का अध्ययन करते समय हमने प्रधानमंत्री का अध्ययन करते समय हमने अनुच्छेद 74 में जाना कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो इस आधार पर ये मंत्री परिषद की रचना कैसे होती है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 74 है उसकी स्थिति तो हमने जान लिया। इसके बाद में अनुच्छेद 75 जो है वो इसकी रचना के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। इसका मतलब ये प्रधानमंत्री का स्वविवेक है कि उसके मंत्री परिषद में कौन कौन से व्यक्ति सदस्य होंगे। यहाँ राष्ट्रपति का स्वविवेक काम नहीं कर सकता, यहाँ प्रधानमंत्री का स्वविवेक काम करता है कि वो उसकी सरकार के अंदर कौन सदस्य मंत्री बनेंगे। इस संबंध में व्यवहारिक स्थिति यह है कि ऐसा निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री अपने दल या अपने गठबंधन के सदस्यों से परामर्श करके ही ये निर्णय लेते हैं। लेकिन संवैधानिक स्थिति है कि अंतिम अधिकार यह प्रधानमंत्री का ही है कि सरकार के अंदर या मंत्रिपरिषद के सदस्य के तौर पर कौन कौन मंत्री बनेंगे। तो ये एक स्थिति है कि इसका चयन या इसका संरचना जो है प्रधानमंत्री की सलाह से ही की जाती है। और अनुच्छेद 75-2 जो है वो और ज्यादा प्रधानमंत्री की स्थिति को स्पष्ट करता है, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री परिषद अपने पद पर रह सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री परिषद जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं वो तब तक ही पद पर रह सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति संविधान की भावना के मुताबिक ये उनको आभास होता रहता है कि इस सरकार को या इस मंत्री परिषद को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। जब राष्ट्रपति को यह लगेगा कि सरकार ने या मंत्री परिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, और अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रपति जो है सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। यदि किसी मंत्री के आचरण में कोई दोष है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उस मंत्रिपरिषद के सदस्य के आचरण के संबंध में दिशा निर्देश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो है सदस्य को सरकार से बाहर भी निकालने की सिफारिश राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो ये इस संबंध में स्थिति स्पष्ट है। अब बार बार जो है हमें मंत्रिपरिषद के साथ एक और संस्था का नाम सुनते हैं, वो है मंत्रिमंडल। दोनों में मंत्री शब्द जुड़ा हुआ है, मंत्री एक के साथ परिषद जुड़ा हुआ है, एक के साथ मंडल जुड़ा हुआ है। आखिर इन दोनों संस्थाओं के अंदर अंतर क्या है, ये बात विद्यार्थियों आप लोगों को स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए। इस संविधान में तो मंत्री परिषद शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है,
जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ते हैं, जब हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 74-75, अनुच्छेद 53-52 ये मंत्रिपरिषद का ही आभास करवाते हैं, मंत्रिपरिषद का ही इनमें उल्लेख मिलता है। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में हम मंत्रिमंडल का नाम ज्यादा सुनते हैं। तो ये मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? तो ये अंतर इस आधार पर स्पष्ट होता है कि मंत्रियों के चार प्रकार की श्रेणियां होती हैं। पहले प्रकार के मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट स्तर के कहलाते हैं, और कैबिनेट स्तर के मंत्री होने का मतलब है कि वो मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के विभागाध्यक्ष होंगे, उनके नेतृत्व में ही उस विभाग का संचालन किया जाएगा, ये होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। उसके बाद में कैबिनेट मंत्रियों के बाद में दूसरे स्तर के जो मंत्री होते हैं वो मंत्री होते हैं राज्य मंत्री। यहाँ राज्य मंत्रियों की भी दो कैटेगरी बना दी गई हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और एक केवल राज्य मंत्री। जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं वो भी एक तरह से कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, और जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन ही काम करते हैं। यानी एक बड़े मंत्रालय में एक कैबिनेट मंत्री हो गया तो उसमें कुछ राज्य मंत्री भी हो सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। और अगर किसी मंत्रालय में काम ज्यादा है या ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उपमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो ये चार कैटेगरी हो गई, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब ये जो मंत्रिमंडल है और जो मंत्री परिषद है, इनका अंतर इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि चारों श्रेणियों के जो मंत्री हैं सरकार में, उन सबसे मिलकर तो मंत्री परिषद बनती है। और जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल का मतलब केवल इतना होता है कि जो कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं, जो अपने विभागों के अध्यक्ष हैं, केवल उन्हीं सदस्यों से, उन्हीं मंत्रियों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है या कैबिनेट बनती है। तो ये अंतर स्पष्ट हो गया। तो आकार की दृष्टि में तो मंत्रिपरिषद बड़ी है, क्योंकि उसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं, उसमें राज्य मंत्री भी हैं, उसमें उपमंत्री भी हैं। तो आकार की दृष्टि से मंत्रिपरिषद बड़ी संस्था है, लेकिन महत्व की दृष्टि से, शक्तिशाली होने की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद से ज्यादा महत्वपूर्ण, मंत्रिपरिषद से ज्यादा शक्तिशाली मंत्रिमंडल हो जाता है। क्योंकि मंत्रिमंडल में वो सदस्य होते हैं जो अपनी पार्टियों में सीनियर प्रभावशाली नेता होते हैं, और अपने विभाग, जिस मंत्रालय का उनको मंत्री बनाया है उसके वो विभाग का अध्यक्ष होते हैं, और राज्य मंत्री उन्हीं के अधीन होकर काम करते हैं। तो केवल ऐसे वरिष्ठ और अपने दल के प्रभावशाली लोगों और अपने विभाग के सर्वे सर्वा मंत्री होने के नाते वो सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है, इसीलिए वो मंत्रिपरिषद से ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है, निकाय बन जाती है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि सरकार विभिन्न अवसरों पर जब कोई नीतिगत फैसले लेने होते हैं, कोई महत्वपूर्ण अवसरों के संबंध में विचार विमर्श करना होता है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक न बुलाकर वो मंत्रिमंडल की ही बैठक बुलाती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद में ज्यादा सदस्य होते हैं, ज्यादा सदस्यों के बीच में गंभीर विचार विमर्श नहीं हो पाता, तो जो कैबिनेट मंत्री हैं जो संख्या में कम है उन्हीं के बीच में विचार विमर्श करके सरकार कुछ निर्णय तय कर लेती है, कुछ नीति तय कर लेती है, और उसी निर्णय और उस नीति को फिर जो है सरकार की नीति और निर्णय मानते हुए क्रियान्वित करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच के अंतर और उसकी दोनों संस्थाओं का क्या मतलब है, वो अंतर और वो व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है।
अब मंत्रिपरिषद किन सिद्धांतों पर काम करती है, संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान है जिसके आधार पर मंत्रिपरिषद काम करती है। तो दो तरीके के सिद्धांत हैं कि एक तो दो तीन तरीके के सिद्धांत हैं, एक तो नाम मात्र की प्रमुख वाली मंत्री परिषद। तो इसमें जैसा कि राष्ट्रपति की शक्तियां का अध्ययन करते समय हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद का मुखिया होता है, लेकिन वो संवैधानिक मुखिया होता है, वास्तविक मुखिया नहीं होता है। तो इस रूप में जो है राष्ट्रपति मंत्री परिषद का संवैधानिक मुखिया है, प्रधानमंत्री उसका वास्तविक मुखिया है। तो एक तो ये सिद्धांत है, जिसका मतलब ये हुआ कि समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है, राष्ट्रपति एक औपचारिक भूमिका वहां रखते हैं। दूसरा, बहुमत दल द्वारा मंत्रिपरिषद की रचना, दूसरा सिद्धांत ये काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसी दल के नेताओं को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है। अब इसमें डेवलपमेंट ये हो गया है कि आजकल एक दल को बहुमत नहीं मिल रहा है तो आजकल गठबंधन चुनाव के अंदर आ जाते हैं। तो कई बार चुनाव पूर्व गठबंधन होता है, कई बार चुनाव बाद गठबंधन होता है। तो जब गठबंधन की सरकार होती है तो उस गठबंधन में शामिल जो दल है उन दल के विभिन्न प्रभावशाली नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। तो इस आधार पर इसकी रचना होती है। दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये है बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से भारत ने ये प्रावधान भारत के संविधान के अंदर इसको रखा है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का मतलब यह है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं तमाम प्रकार के, जिसमें जैविक कैबिनेट मंत्री भी हैं, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं, जिसमें राज्य मंत्री भी हैं, जिसमें उपमंत्री भी हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति या किसी भी मंत्री के आचरण को लेकर अगर कोई टीका टिप्पणी होती है तो वो पूरी सरकार के खिलाफ टीका टिप्पणी मानी जाएगी। अगर किसी मंत्री के आचरण को लेकर संसद के अंदर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव उस मंत्री के खिलाफ नहीं माना जाएगा बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ, पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ माना जाएगा। और यदि वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका मतलब है पूरी सरकार को, मंत्री परिषद के सारे मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यह होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी सरकार में शामिल हर मंत्री की जो गतिविधियां हैं, जो कार्य है, प्रणाली है, जो आचरण है, उन सब का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों का माना जाएगा, उस अकेले मंत्री का नहीं माना जाएगा। और उसके लिए अगर संसद दोषी करार देती है तो सरकार दोषी मानी जाती है, और अगर वो दोष इतना गंभीर है लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव ला देती है तो उस अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ माना जाता है, और अगर वो पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। यह है सामूहिक उत्तरदायित्व की स्थिति। तीसरा जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में क्या संबंध है। तो पहले भी ये बात स्पष्ट तौर पर हमारी कक्षा में चर्चा में आई कि संसदीय व्यवस्था होने के बाद की वजह से भारत में मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो कैबिनेट के सदस्य हो, चाहे वो मंत्री परिषद के सदस्य हो, वो संसद के सदस्य होना जरूरी है। यानी सरकार में एक मंत्री जो होते हैं वो मंत्री पहले संसद के सदस्य होना जरूरी है। संसद के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री जो है मंत्री बनाते हैं। यदि कोई सदस्य मंत्री बन गया है लेकिन संसद का सदस्य नहीं है तो उसके लिए प्रावधान यह है कि उसको 6 महीने के भीतर भीतर या तो लोकसभा का चुनाव लड़कर या राज्यसभा का चुनाव लड़कर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो सदस्य नहीं बनता है तो उसको फिर 6 महीने के बाद जो है अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये एक संबंध हुआ कि मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है वो संसद के सदस्य भी होते हैं और इस नाते वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अपने कार्य प्रणाली को लेकर, अपने कामों को लेकर, अपने दायित्वों को लेकर उस संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसद के सदस्य जो है समय समय पर लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान
मंत्रियों से सवाल पूछते रहते हैं, उनका विभिन्न समस्याओं, उनके मंत्रालय से संबंधित समस्याओं के संबंध में ध्यान आकर्षण करते रहते हैं। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, ये एक व्यवहारिक राजनीति का विषय है कि मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के अंदर राज्यसभा के सदस्य ज्यादा होना चाहिए या लोकसभा के सदस्य ज्यादा होने चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस सदन को ज्यादा प्रतिनिधित्व दे। व्यवहारिक तौर पर यह देखा जाता है कि लोकसभा क्योंकि बड़ा सदन है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें मौजूद रहते हैं, तो वहां से ज्यादा मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा की स्थिति ये ऐसी है कि राज्यसभा में तुलनात्मक तौर पर लोकसभा से तुलनात्मक तौर पर ज्यादा विद्वान, ज्यादा विषय के विशेषज्ञ लोग होते हैं जो चुनावी राजनीति में फिट नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो है विभिन्न क्षेत्रों में उनकी दक्षता होती है। तो ऐसे दक्ष लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करके मंत्रिमंडल की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत, मंत्री परिषद की या मंत्रिमंडल की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत होती है, तो वहां से भी महत्वपूर्ण सदस्यों को मंत्री के तौर पर शामिल किया जाता है। तो ये एक स्थिति है। पहला ये बताया जा चुका है कि इस पूरी मंत्री परिषद का जो नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री क्योंकि मंत्री मंडल और मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव ही जब प्रधानमंत्री करेंगे तो उनका नेतृत्व स्वाभाविक तौर से प्रधानमंत्री करते हैं। और ये नेतृत्व ऐसा होता है कि सारा मंत्री परिषद जो है प्रधानमंत्री से बंधा हुआ है। इस रूप में भी बंधा हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों से अपना त्याग पत्र देने की घोषणा कर देते हैं या राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो वो त्याग पत्र केवल प्रधानमंत्री का खुद अकेले का त्याग पत्र नहीं माना जाता है, बल्कि वो त्याग पत्र जो है पूरी सरकार का, पूरी मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्री भी पद पर नहीं रहेंगे। तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री का नेतृत्व की स्थिति है। और वो इस वजह से जो है इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अपने मंत्रियों को नियंत्रित करते हैं, अपने मंत्रियों से अपने मनमाफिक काम करवाते हैं और अपनी सोच और अपने व्यक्तित्व के मुताबिक जो है अपने मंत्रियों को दिशा प्रदान करते हैं। तो ये एक जो बात और इस दिशा में है वो गोपनीयता का सिद्धांत है। मंत्री परिषद जो है गोपनीयता के सिद्धांत पे काम करती है। इसका मतलब ये है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, जितने भी प्रकार के मंत्री हैं, वो मंत्री बनने के बाद जब राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं तो वो संविधान की सुरक्षा, संविधान की भावनाओं के अनुसार काम करने की शपथ लेने के साथ साथ गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं कि भाई उनके पद से संबंधित जो भी दायित्व है, जो भी कार्य है, उनको वो गोपनीय रखेंगे तब तक जब तक कि उस संबंध में कोई नीति या कानून उद्घोषित नहीं हो जाता। तब तक उस बात को अगर विचारार्थ कहीं है तो वो गोपनीय रखेंगे। तो ये गोपनीयता का सिद्धांत है कि नीति या कानून बनने से पहले उसके संबंध में किसी भी बिंदु के बारे में, किसी भी प्रस्तावित विषय के बारे में वो किसी भी स्तर पर अपनी बात को लीक नहीं करेंगे। तो ये काम है गोपनीयता का सिद्धांत। तो ये तो हुआ कि मंत्री परिषद किस आधार पर काम करती है। अब बात आती है कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल में विभागाध्यक्ष मंत्री होते हैं, तो वो काम क्या करता है, क्या उसके कार्य है। तो एक तो पहला काम तो नीति निर्माण है कि देश की क्या नीति होगी, कैसे कानून होंगे। यदि कानून बनाने का काम वैसे संसद का है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति ने ये दायित्व भी मंत्रिमंडल को ही शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अपने अपने विभागों के जो मंत्री हैं वो ही आजकल जो है इस क्षेत्र में प्रस्तावित करते हैं बातों को। तो देश की नीति, देश के कानून जो है उसके संबंध में मंत्रिमंडल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य अपने अपने विभागों से संबंधित नीति निर्माण में, कानून निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। संसद की स्थिति केवल इस क्षेत्र में इतनी रह जाती है कि जो मंत्रिमंडल की तरफ से जो नीति, जो कानून प्रस्तावित होते हैं
उनका समर्थन मंत्रिमंडल संसद में किया जाता है, और संसद में वो समर्थन इसलिए मिल जाता है क्योंकि जिस दल से मंत्री चुनकर आते हैं उस दल का बहुमत प्राय संसद में होता है। तो एक तो नीति निर्माण के क्षेत्र में ये काम करते हैं, दूसरा प्रशासन का संचालन करना भी मंत्रिमंडल का ही काम है क्योंकि विभाग का अध्यक्ष है, तो प्रशासन का संचालन की समस्त जिम्मेदारी अपने अपने विभाग के मंत्रियों की होती है। विदेशी संबंधों का तो उसमें विदेश मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बजट का निर्माण करना वित्त मंत्रालय से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, देश का वार्षिक बजट जो है उसका निर्माण वित्त मंत्री के क्षेत्राधिकार में आता है। वित्त मंत्री अपने वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों के माध्यम से प्रतिवर्ष जो है देश के बजट का निर्माण करवाता है और उसको संसद में प्रस्तुत करता है और बाद में संसद से समर्थन प्राप्त करने या संसद में जो भी सुझाव आते हैं जो भी आलोचना होती है उसका जवाब वित्त मंत्री देते हैं और स्थिति स्पष्ट करते हैं। तो ये और समस्त नियुक्तियां हैं वो भी मंत्रिमंडल के परामर्श से, जो प्रधानमंत्री का भी परामर्श उसमें शामिल होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है उसके माध्यम से राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। तो ये प्रमुख तौर पर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के कार्य होते हैं। तो आज हमने इस कक्षा के अंदर मंत्रिपरिषद की रचना कैसे होती है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, और फिर इसके कार्य क्या है, दायित्व क्या है, इसका अध्ययन किया। अन्य विधियों का अध्ययन आगे की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।